जय हिंद। आपके अपने चैनल न्यू स्टडी 24 के ब्रह्मास्त्र सीरीज के डे 30 जो था कार्बनिक रसायन, उस टॉपिक का जो हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखिए, बारिश होने एवं लाइट न आने की वजह से वीडियो जो है लेट से अपलोड हो रहा है। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन था, शक्करों में सबसे मीठी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा सुक्रोज। देखिए, ये जो क्वेश्चन है बायोलॉजी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो है सम्मिलित रूप से जो है बनाया गया है, इसलिए जो है आपको जो है इस पर कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए, अब बात करते हैं कि ये सुक्रोज क्या है। तो देखिए, सुक्रोज जो है उसे ही जो है हम चीनी कहते हैं, और सभी चीनी में जो है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होते हैं। अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछ देता कि कौन जो है चीनी से भी ज़्यादा मीठा होता है, तो उस केस में आपका क्या आंसर होगा? तो देखिए, उस केस में आपका आंसर होना चाहिए सैक्रीन। अब बात करिएगा कि भाई सैक्रीन क्या है। तो देखिए, ये जो है सैक्रीन यह एक कृत्रिम मधुरक है जो कि चीनी से भी जो है 550 गुना जो अधिक मीठा होता है। तो इसको भी जो आपको जो है याद रखना, क्या याद रखना है, तो चीनी से भी जो है मीठा होता है। क्या होता है? तो सैक्रीन जो है चीनी से भी 550 गुना जो अधिक मीठा होता है। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, सबसे मीठी चीनी क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, फ्रक्टोज। आइए हम बताते हैं फ्रक्टोज के बारे में। तो देखिए, फ्रक्टोज जो है शर्करा का जो है एक प्राकृतिक चीनी है, और फ्रक्टोज जो है सबसे मीठी चीनी भी है। क्या है? तो सबसे मीठी चीनी भी जो है इसे ही जो है कहा जाता है। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो जितने भी सूत्र से संबंधित होंगे, चाहे रासायनिक नाम है, आपको जो याद रखना है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, CaSO4 × ½H2O। इसके अलावा जो है कुछ महत्वपूर्ण है सूत्र जो कि हम बता रहे हैं। देखिए, आपको याद रखना है, जैसे साधारण नमक का आपको जो है सूत्र याद रखना है NaCl, बेकिंग सोडा का जो है आपको सूत्र याद रखना है NaHCO3, वहीं अगर धोबन सोडा की बात करें तो Na2CO3 × 10H2O जो है आपको याद रखना है। लेकिन एक क्वेश्चन और है जो कि अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन इम्पोर्टेंट है, पूछने की संभावना बनी रहती है, फिटकरी का क्या सूत्र है? क्योंकि ये बहुत ही लंबा सूत्र है, तो फंसाने के लिए अगर पूछेगा भी तो फंसाने के लिए पूछेगा। तो आपको याद रखना है K2SO4 × Al2SO4 ² × 24H2O, बहुत ही लंबा सूत्र है। अब देखिए, इसके अलावा जो आपको जिप्सम का भी सूत्र याद रखना है। अब देखिए, चौथा क्वेश्चन है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, बोल रहा है कि क्या बढ़ाया जाता है मजबूती प्रदान करने के लिए स्टील को? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, कार्बन की मात्रा। देखिए, स्टील जो है लोहा और कार्बन का जो है मिश्र धातु है, और स्टील को जो है कठोरता प्रदान करने के लिए जो क्या मिलाया जाता है, तो उसमें जो कार्बन की मात्रा जो है डाला जाता है, मात्रा जो है बढ़ाया जाता है। अगर बात करें यहीं पर कि स्टील की किस्में जो है कितना कार्बन की मात्रा रहता है, तो देखिए आपको याद रखना है, माइल्ड स्टील जिसे जो है हिंदी में मृदुल इस्पात कहा जाता है, उसमें जो है मात्र जो है 0.1% रहता है। वहीं अगर बात करें मीडियम स्टील मध्य इस्पात, तो इसमें जो है इस कार्बन की मात्रा जो है 0.5% रहता है, और कठोर इस्पात अगर हार्ड स्टील की बात करें तो 1.5 जो है प्रतिशत इसमें रहता है। अगर बात कर दे लोहे की, अभी तो बात कर रहा था कौन चीज़ का, स्टील का, तो स्टील में हम देखें कि इसमें जो है 0.5 से लेकर 1.5 के बीच में आ रहा है। अगर वहीं पर बात करें कि लोहे की बात करें, तो देखिए लोहे में जो है दो लोहा होता है, एक होता है ढालवा लोहा जिसे कास्ट आयरन कहा जाता है, इसमें जो है 2.5% जो कार्बन की जो है मात्रा रहता है। और वहीं अगर बात करें पिटवा लोहा, तो पिटवा लोहा में जो है 0.12 से लेकर 0.25, देखिए ये जो स्टील से भी कम है, यानी कि सबसे कम जो है कार्बन किसमें पाया जाता है, तो पिटवा लोहा में जो है पाया जाता है। अब देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा? तो आपको याद रखना है C6H12O6 जो है ग्लूकोज का जो है सूत्र है। तो जितने भी सूत्र है वैसे ही हम बता दिए हैं, और इसके बाद जो ग्लूकोज का भी सूत्र जो है आपको याद रखना है। अब देखिए, छठा क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें जो कार्बन नहीं है, मतलब कौन जो है कार्बन का अपरूप नहीं है? तो देखिए, हीरा जो है वो जो कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट जो है वो क्या है, तो वो भी जो है कार्बन का अपरूप है, कोयला भी है कार्बन का अपरूप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए हम बात कर लेते हैं कार्बन के अपरूप के बारे में। तो देखिए, हीरा, ग्रेफाइट और कोयला कार्बन के अपरूप तो है ही, इसके अलावा भी जो है चारकोल एवं कोक भी जो है कार्बन के अपरूप है। कौन कौन? तो हीरा, ग्रेफाइट, कोयला और जो है चारकोल और कोक, कोक याद रखना है। अब बात कर लेते हैं हीरा के बारे में। हीरा जो है
कार्बन का जो एक क्रिस्टलीय अपरूप है, अगर शुद्ध हीरा की बात करें तो ये शुद्ध हीरा जो पारदर्शक होता है, मतलब आर पार दिखाई देता है, और यह जो है रंगहीन होता है, मतलब इसमें जो है रंग नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है, शुद्ध हीरा में रंग नहीं होता है, तो अगर आपको रंगहीन अगर हीरा देते तो क्या आप समझिएगा, तो आप वही ना समझिएगा कि ये हीरा क्या है, तो अशुद्ध हीरा है। तो आपको जो है हीरा का पहचान कैसे हो जाएगा, तो देखिए जब भी हीरा होगा तो उसमें कोई रंग नहीं होगा, अगर काला लाल चाहे कुछ हो जाए तो आप समझ लीजिएगा कि हीरा जो है क्या है, तो उसमें जो अशुद्धि है। अगर बात करें हीरा के आपेक्षिक घनत्व का, तो देखिए हीरा का आपेक्षिक घनत्व जो है 3.52 होता है, अगर बात करें इसकी अपवर्तनांक का तो 2.417 होता है। अब बात करेंगे कि हीरा पर जो है ताप का क्या असर पड़ता है, तो देखिए ताप और विद्युत का जो है हीरा जो है कुचालक होता है। और इसकी अगर संरचना की बात करें, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, इसकी संरचना जो है चतुष्फलकीय होती है। आइए अब देख लेते हैं ग्रेफाइट के कुछ फैक्ट। देखिए ग्रेफाइट जो है यह भी जो है क्रिस्टलीय अपरूप है, लेकिन इसकी संरचना क्या होता है, षटकोणीय होता है, छः आकार की होता है। अगर बात करें इस पर जो है विद्युत का, तो देखिए विद्युत का जो ये जो है सुचालक होता है। अगर आप ग्रेफाइट लगाकर जो है आप करंट पे यानी विद्युत पे डालिए तो आपको जो है करंट लग जाएगा। और अगर बात करें ग्रेफाइट की आपेक्षिक घनत्व का, तो इसका जो आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, 2.2 होता है। तो आपको इतना भी याद रखना है। अब इसके अलावा देखते हैं चारकोल के बारे में। तो देखिए चारकोल जो है कार्बन का जो है अशुद्ध रूप है, क्या है, तो कार्बन का अशुद्ध रूप है। और यह क्या करता है चारकोल, तो हवा का जो अपर्याप्त मात्रा जो होता है जलाने पर जो है, मतलब जब हवा नहीं रहता है पर्याप्त मात्रा में, तब जो जलाया जाता है ना, तब जो है चारकोल की जो है प्राप्ति होती है। अब देख लेते हैं कोयला का, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ था। देखिए कोयला जो है कार्बन के यौगिक का जो मुक्त कार्बन का मिश्रण है, और यह जो है ऊर्जा का जो है अनवीकरणीय स्रोत है। कौन सा स्रोत, तो अनवीकरणीय स्रोत है। आइए अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है कौन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मीथेन। देखिए मीथेन जो है कार्बन कंपाउंड यानी कि कार्बनिक यौगिक के जो है प्रथम श्रेणी का क्या होता है, सदस्य होता है। अगर बात करें कि मीथेन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए मीथेन को जो मार्स गैस के भी नाम से जाना जाता है। और अगर बात करें कि प्रकृति में ये मीथेन जो है कितने प्रतिशत है, तो देखिए प्राकृतिक गैस में जो है मीथेन का जो प्रतिशत जो है वो 90% है। कितना परसेंट, 90%। और यह जो है मीथेन जो है हवा के साथ जो है यह अभिक्रिया कर जो है विस्फोटक बन जाता है। देखिए आप सुने होंगे कि कोयले के खान में विस्फोट हो जाता है, कैसे, तो देखिए यह तो प्राकृतिक गैस है और यह क्या होता है, तो यह जो हवा के साथ जो है विस्फोटक बन जाता है। और कोई आदमी रहता है कोयले के खान में जो माचिस जलाता है बीड़ी सिगरेट कुछ पीने के लिए, तो क्या हो जाता है, वो जो है उसके संपर्क में आ जाता है और क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। तो आपको यही यहाँ पर रखना है कि मीथेन गैस क्या होता है, यह जो है हवा के साथ जो है विस्फोटक बन जाता है, इसलिए जो कोयले के खान में क्या हो जाता है, तो विस्फोट होता है। अगर बात कर ले मीथेन का, तो देखिए मीथेन जो है एल्केन ग्रुप का जो है मेंबर है। और इसके अगर सूत्र की बात करें, तो इसका सूत्र होता है CH4 होता है। अब आठवां क्वेश्चन है, सल्फर हेक्सोफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है। तो देखिए सल्फर हेक्सोफ्लोराइड अणु का आकार जो है अष्टफलकीय होता है। कैसा होता है, अष्टफलकीय होता है, यानी कि ऑक्टाहेड्रल होता है। और अगर बात करें इसके सूत्र की बात करें, तो इसका सूत्र क्या होता है, SF6 होता है। कितना, तो SF जो है 6 होता है। अब नवा क्वेश्चन, एक तत्व के X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब मान लिया है कि X के बाह्यतम कक्षा में जो 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इनके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा। तो देखिए क्वेश्चन में ही बोल रहा है एक्स के, मतलब कुछ भी है, एक्स के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। और बोल रहा है कि यही एक्स जो है किसके साथ यौगिक बनाएगा, तो हाइड्रोजन के साथ जो है यौगिक बनाएगा, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा। तो 4 हाइड्रोजन हो गया और एक्स हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं आराम से XH4 आराम से लिख सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, XH4। अब देखिए दसवां क्वेश्चन है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक, बोल है कि विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो क्या है। तो देखिए यह जो है एस्टर का रूप है। अगर बात करें कि नाइट्रोग्लिसरीन कैसे बनाया जाता है, तो देखिए नाइट्रोग्लिसरीन को जो है अक्रिय पदार्थ जैसे कि लकड़ी के बुरादा हुआ या जो है किजेल गुड़ में जो है अवशोषित करके जो है इसको जो है बनाया जाता है। और अगर इसकी खोज की बात करें, तो इसकी खोज जो है 1846 में हुई थी। और अगर इसके जो है गुण की बात करें, तो यह जो है रंगहीन होती है और तैलीय द्रव के रूप में होती है। और इसका जो है यूज कहाँ पर होता है, तो इसका यूज जो है डायनामाइट बनाने के काम में जो है इसका जो है यूज होता है।
अब देखिए 11वां क्वेश्चन है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा ब्यूटेन। अब बोलिएगा कि क्यों प्रयुक्त किया जाता है सिगरेट लाइटर में, तो देखिए सिगरेट लाइटर में जो ब्यूटेन जो डाला जाता है इसका कारण मुख्य यही है कि ब्यूटेन जो है एक अत्यंत ही ज्वलनशील गैस है, इसलिए जो है इसका जो है यूज किया जाता है। और अगर बात करें कि ब्यूटेन का सूत्र क्या है तो आपको पता ही होगा C4H10, और यह किसका ग्रुप मेंबर है, तो यह जो है एल्केन ग्रुप का है, तो इसलिए इतना चीज जो है आपको याद रखना है। अब 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा कार्बन। अब बोलेगा कि कैसे होगा, तो देखिए कार्बनिक कंपाउंड का मतलब ही होता है उसके अंतर्गत जो कार्बन से बने यौगिक का अध्ययन किया जाता है, और कार्बन से बने यौगिक का अध्ययन का मतलब क्या है कि प्रत्येक जो है कार्बनिक यौगिक में किसकी मात्रा है, तो कार्बन की मात्रा है, तो इसलिए इसका आंसर जो है इस तरह से जो है हो जाएगा कार्बन। अब देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 1945 में नागासाकी जो कि जापान में है वहाँ पर जो बम गिराया गया था, जो आप लोगों को भी पता होगा नागासाकी और हिरोशिमा पर, तो वहीं पर बोल रहा है कि विस्फोटक में जो है कौन सा चीज जो है प्रयुक्त किया गया था, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा प्लूटोनियम को जो है उसमें जो है प्रयुक्त किया गया था। अब बात कर लेते हैं प्लूटोनियम के बारे में, तो देखिए प्लूटोनियम जो है क्या है, तो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, क्या है, रेडियो सक्रिय तत्व है। अगर इसके उपयोग की बात करें तो देखिए इसका उपयोग नाभिकीय अस्त्र तथा रिएक्टर के निर्माण में किया जाता है। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः होती है, मतलब बोल रहा है कि LPG जो है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसमें जो है कौन जो है मुख्यतः होता है, मतलब प्रमुख होता है, तो देखिए इसमें जो है ब्यूटेन होता है। वैसे जो है अगर बात करें तो देखिए LPG में जो प्रोपेन ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटोन होता है, लेकिन इसमें जो प्रमुख जो होता है वो ब्यूटेन ही होता है। क्यों, क्योंकि ब्यूटोन जो है क्या है, तो यह जो है एक ज्वलनशील गैस है, मतलब तीव्र ज्वलनशील गैस है, इसलिए जो इसका प्रयोग जो है प्रमुख है। 15वां क्वेश्चन है, बेकेलेट निम्नलिखित के संघनन से बनता है, किसके संघनन से, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड। और बोले कि यह जो बेकेलेट है यह है क्या, तो बेकेलेट जो है यह एक प्लास्टिक है। अगर इसकी सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है C6H6O × CH2O × N। अब देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, टेफलॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा टेट्राफ्लोरोएथिलीन। अगर बात करें यह जो टेफलॉन है इसका जो है सामान्य नाम क्या है, तो देखिए इसका नाम है सामान्य नाम क्या, तो पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन। अगर इसको जो है अगर संकेत में लिखे तो PTFE। और यह जो है एक क्या है, तो संश्लेषित फ्लोरो बहुलक है, तो आपको याद रखना है क्या है, टेफलॉन जो है एक संश्लेषित जो है फ्लोरो बहुलक है, और यह जो है ठोस फ्लोरो कार्बन भी है, क्या है, यह एक ठोस जो है फ्लोरो कार्बन है। और इसकी अगर यूज की बात करें तो इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, तो वैसी चीज जहाँ पर जो चिपकने वाली चीज नहीं है वहाँ पर जो है वो किसी के द्वारा जो है चिपक नहीं सकता है। अब कैसे, तो कढ़ाई के देखिए पेनिंग पे जो होता है उठा हुआ जो भाग होता है कढ़ाई में, उस पर जो है किसी कोई भी चीज़ नहीं चिपक सकता है, तो वहाँ पर जो है इसका जो है यूज किया जाता है। अब देखिए 18वां नंबर का क्वेश्चन है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो क्या कहलाता है, तो देखिए जो इसे जो है एल्कीन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसे जो है एल्कीन कहा जाता है। अगर इसके सूत्र की बात करें तो एल्कीन का जो समान सूत्र होता है वो होता है CnH2n होता है। अगर इसके IUPAC के नाम बोले तो आपको देना है इथीन होता है, क्या होता है, इथीन होता है। अगर इसका जो फेमस कॉमन नाम की बात करें तो इथाइलीन होता है। तो आपको यहाँ पर 3 चीज़ याद रखना है, इसका जो समान सूत्र CnH2n होता है, IUPAC नाम क्या होता है, इथेन होता है, और फेमस नेम जो इथाइलीन होता है। देखिए 19वां क्वेश्चन है, CO यानी बोल रहे कीटोन का जो समूह है उसका आबंध क्रम क्या है, तो देखिए CO जो है इसमें जो है क्या है, तो 3 आबंध क्रम है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और यह जो है कीटोन ग्रुप का, ये तो बता ही दिए कि यह जो है कीटोन ग्रुप का है, और इसमें जो है अगर बात करें तो इसमें जो फर्स्ट मेंबर जो है 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है, इसलिए जो है इसमें क्या है, तो 3 आबंध क्रम है। अगर यहाँ पर जो है जो इम्पोर्टेंट बात है याद रखने का, वो याद रखना है कि कीटोन का जो है कॉमन नाम क्या है, तो आपको याद रखना है एसीटोन होता है, क्या, तो एसीटोन। अब देखिए 20वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा आइसोप्रीन। तो देखिए आइसोप्रीन जो है क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ है। अगर इसके सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड C इंटू
CH3CH2। मतलब क्या, तो सी इंटू सी एच थ्री इंटू सी एच के आगे भी डबल बॉन्ड है लगा के सी एच टू और पीछे भी जो है डबल बॉन्ड सी एच टू। अगर बात करें कि आइसोप्रीन जो है इसका गुण क्या है, तो यह जो है एक रंगहीन द्रव होता है। और अगर बात करें कि इसे जो प्राप्त कैसे किया जाता है, तो इसे जो है पेट्रोलियम के भंजक आसवन से जो है प्राप्त किया जाता है। किस आसवन से, तो भंजक आसवन से जो है इसे प्राप्त किया जाता है। अब देखिए 21वां क्वेश्चन है, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 12 जो है सिग्मा होता है और पाई जो है 3 होता है। अब बोलेगा कि कैसे, तो देखिए बेंजीन जो है उसका सूत्र होता है क्या होता है, C6H6। अगर इसको अगर आप आकार की बात करें तो यह जो है ट्राइगोनल होता है यानी षटकोणीय होता है, षटकोणीय होता है यानी 6 आकार का होता है। और इसमें जो आप अगर काउंट कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो है कितना सिग्मा है, तो यहाँ पर जो है 12 सिग्मा है और जो है 3 जो है पाई बॉन्ड है। और मेन जो है इसमें एक बात यह भी याद रखना कि बेंजीन जो है किस तरह की कंपाउंड है, तो बेंजीन जो है एक साइक्लिक कंपाउंड है, रिंग की तरह का जो है कंपाउंड है। ये जो आपको बात जो है याद रखना है। इसके अलावा अगर आपको बेंजीन का गुण की बात करें तो यह जो रंगहीन एवं अत्यंत ज्वलनशील द्रव होता है। और इसकी अगर खोज की बात करें तो इसे जो 1834 में जो खोजा गया था किसके द्वारा, मिटार्सले के द्वारा जो है, और कहाँ से जो है इसे प्राप्त किया था, तो इसे जो बेंजोइक अम्ल से जो है प्राप्त किया था। और इसका जो है देखिए बेंजीन का यूज जो है पेट्रोल में भी होता है, किसमें होता है, पेट्रोल में। अब बोलेंगे कि क्यों इसका यूज किया जाता है, तो देखिए इसमें जो ऑक्टेन की संख्या जो है अधिक होती है, इसी कारण से जो है इसे जो है पेट्रोल में जो है मिलाया जाता है कुछ ही मात्रा में। अब देखिए 22वां नंबर का क्वेश्चन है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। मतलब बोल रहा है कि क्या उत्पन्न होता है अगर पेट्रोल और डीजल जो है अधूरा जलेगा। तो देखिए कोई भी ईंधन हो, हम सिर्फ नहीं बोल रहे कि पेट्रोल और डीजल, कोई भी ईंधन हो अगर वह पूरा नहीं जलेगा तो वह जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है उत्पन्न करेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रश्न नंबर 23 है, सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व क्या है। तो देखिए जितने भी जैव जीव है सभी में जो कार्बन जो है सर्वाधिक जो है मूल जो है अनिवार्य तत्व है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। अब है देखिए 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों समूहों में से कौन सा एक जो है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए जो है मूलतः उत्तरदायी था। तो देखिए जैव वैज्ञानिक जो है 6 चीजों को जो है जीवन की उत्पत्ति का जो है मूल तत्व माना है। किसको, तो कार्बन को, हाइड्रोजन को, नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को, फास्फोरस को और सल्फर को। किसको किसको, कार्बन को, हाइड्रोजन को, नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को, फास्फोरस को और सल्फर को। तो आप इसमें से ढूंढ लीजिए कि किसमें है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ये किसमें है, तो बी नंबर के ऑप्शन में है। आइए अब देखते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन के अणु भारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है। देखिए सबसे पहले हाइड्रोकार्बन का जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें जो सारा का सारा क्या दिया हुआ है, तो एल्केन ग्रुप का जो है मेंबर दिया हुआ है। और एल्केन ग्रुप का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। अगर इस सूत्र से अगर आप काउंट कीजिएगा तो आप जो इसका जो सीरीज देखिएगा, श्रृंखला देखिएगा सीरियल नंबर से, तो इसमें जो फर्स्ट आता है वो होता है मीथेन होता है, जिसका सूत्र होता है CH4 होता है। और सेकेंड देखिएगा तो एथेन होता है, फिर जो प्रोपेन होता है, फिर ब्यूटेन होता है, फिर पेंटेन होता है, फिर हेक्सेन होता है, फिर हेप्टेन होता है, और फिर ऑक्टेन होता है, फिर नोनेन और फिर डेकेन होता है। तो इस तरह जो है आप जो है इसे जो है सीरीज में देखिए कहाँ पर है, तो ये देखिए आपको मिल जाएगा ए में मीथेन है, फिर एथेन है, फिर प्रोपेन है, फिर ब्यूटेन है, ये जो है सीरीज में, बाकी जो है सीरीज में नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए 26वां क्वेश्चन है, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। बोल रहे किसके लिए जो है, मतलब किस में जो है इसका उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, रासायनिक युद्ध में। देखिए अगर बात करें ये मस्टर्ड गैस का रासायनिक सूत्र क्या, अगर बात करें कि मस्टर्ड गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको ये याद रखना है DICLORODIETHYLSULFIDE। क्या है, DICLORODIETHYLSULFIDE। और इसकी अगर गुण की बात करें तो देखिए यह जो है जहरीली गैस है। क्या है, जहरीली गैस है। और इसको जो है अगर आप शरीर पर डाल दीजिएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, फफोला हो जाएगा, वहाँ का चमड़ा जो है जल जाएगा। और अगर इसके गुण की बात करें तो यह जो एक रंगहीन, गाढ़ा एवं चिपचिपा होता है, इसलिए इसको जहाँ पर डालिएगा वहाँ पर जो है वह जल ला देता है। और इसका जो उपयोग हुआ था कहाँ पर हुआ था, तो इसका उपयोग जो है सर्वप्रथम जो है
इसका उपयोग जो है ज्यादा जो है हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। क्यों हुआ था तो देखिए इसको जो है, क्योंकि इसका जो असर जो है आँख और फेफड़ा पर भी प्रभावित होता है और इसका असर ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 से 6 घंटे के बीच में जो है इसका जो लक्षण दिखने लगता है, इसलिए जो है इसका उपयोग जो है कहाँ किया था तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है इसे किया गया था। क्यों? क्योंकि यह जो एक रासायनिक युद्धक है। तो आपको याद रखना है मस्टर्ड गैस क्या है, इसमें उपयोग किया जा सकता है तो रासायनिक युद्ध में। अब देखिए 27वां क्वेश्चन है, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं मीथेन का सूत्र, तो आपको याद ही होगा, चार बार बोल दिए, 3-4 बार। मीथेन का सूत्र क्या होता है, तो CH4 होता है। यह एक जो है क्या है, तो रंगहीन, स्वादहीन एवं गंधहीन गैस है। अगर इसकी अगर स्रोत की बात करें तो यह कहाँ से प्राप्त हो जाता है, तो हमें तो धान के खेत में हो जाएगा और कोयले की खदान, जो कि हम अभी देखे ही थे कि कोयले के खदान में विस्फोट भी हो जाता है, और घरेलू पशु वातावरण जो है वहाँ पर जो है इसका जो है स्रोत होता है। अगर इसके अगर अलावा बात करें तो आर्द्र भूमि और समुद्र में भी जो है इसका स्रोत है मीथेन गैस का। और अगर प्राकृतिक रूप से अगर पूछे कि किस क्षेत्र में ज़्यादा होता है, तो दलदली वाले क्षेत्रों में जो है यह जो है ज़्यादा पाया जाता है। देखिए 28वां क्वेश्चन है, क्या है, तो हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह उत्पन्न करता है। मतलब बोल रहा है कि यह क्या उत्पन्न करता है जो इसको जो कृत्रिम फलों के रूप में जो पकाने के लिए जो इसका यूज किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एसिटिलीन गैस। देखिए अब बात कर ले तो सबसे पहले कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है CaCO2। क्या होता है, CaCO2। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, यह जल, यह जो है कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है, तो जल के साथ जो अभिक्रिया करता है तो क्या बना देता है, एसिटिलीन गैस। और यह गैस जो जब उत्पन्न होता है तो क्या होता है, स्वतः जो है फल जो है पक जाता है। आप देखिए होंगे कि अगर आप जो है कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड जो है आप अगर लाते हैं दुकान से फलों, जैसे कि अभी का मौसम है आम का है, तो आम पकाने के लिए अगर लाते हैं तो उसको जो कपड़े में जो बांध के और उसको जो हल्का पानी में डुबो देते हैं और जहाँ पे फल रहता है वहाँ पर जो रख देते हैं, तो क्या होता है उसके गैस से ही जो है क्या होता है वह जो है पक जाता है। तो किसके कारण पकता है, तो एसिटिलीन गैस के कारण जो है पकता है। तो आपको यह भी याद रखना है, क्या रखना है, एसिटिलीन का जो है सूत्र क्या होता है, तो देखिए इसे जो एथीन भी कहा जाता है और इसका सूत्र क्या होता है, C2H2। अब देखिए 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैस मिश्रणों में कौन सा गैस जो वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस। देखिए इस गैस में जो है वेल्डिंग करने के लिए जो है दो गैस का मिश्रण होता है, क्या होता है, दो गैस का मिश्रण होता है। अब पूछेगा कि कौन कौन सा गैस होता है, तो इसमें जो ऑक्सीजन और एसिटिलीन, जब तक ये दोनों गैस जो है मिश्रित नहीं होगा तो जो है वेल्डिंग नहीं हो पाएगा। 30वां क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है। मतलब बोल रहा है कि एथिल अल्कोहल में जो है क्या मिला देंगे कि जो यह जो है पीने लायक नहीं रह जाएगा, यानी कि जिसे हम पी नहीं सकते। तो देखिए इसमें अगर जो हम मीथेनॉल एवं पीरिडीन मिला देंगे तो यह क्या हो जाएगा, जब जो है एथिल अल्कोहल के साथ जो है हम मीथेनॉल और पीरिडीन को मिला देंगे तो यह जो जहर बन जाता है, और जब जहर बन जाएगा तो क्या होगा, तो यह पीने लायक नहीं होगा, पीने योग्य नहीं होगा, मतलब पीने के अयोग्य होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यह जो है बी हो जाएगा, मीथेनॉल एवं पीरिडीन। अब देखिए 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको जो है वुड स्पिरिट भी कहा जाता है, तो देखिए मेथेनॉल को जो है वुड स्पिरिट कहा जाता है, और मेथेनॉल किसको कहा जाता है, तो मेथिल एल्कोहल को ही कहा जाता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब 32वां क्वेश्चन, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब अभिक्रिया करता है तो क्या बना देता है, C12H22O11 बना देते हैं। और इसका जो है अगर किण्वन होगा, मतलब कि यह जो शक्कर का जो है किण्वन होगा, यह जो सूत्र जो बना है इसका जो अगर किण्वन होगा तो क्या बना देगा, एथिल एल्कोहल जो है यह जो है बना देगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एथाइल अल्कोहल। अब देखिए 33वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक है, तो आप ही ऑप्शन से चूज कीजिए, ऊन, तो ऊन कहाँ से प्राप्त हमें हो जाता है, तो प्राकृतिक से हो जाता है। रेशम भी जो है हमें प्राकृतिक से प्राप्त हो जाता है, चमड़ा भी जो है हमें प्राकृतिक से प्राप्त हो जाता है। आप देख लीजिए नायलॉन, अब देख लीजिए डी नंबर का ऑप्शन नायलॉन, तो यह हमें प्राप्त नहीं होता, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब 34वां क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का जो है प्रयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, केवलर। अब देखिए अब केवलर के बारे में बात करते हैं, तो देखिए केवलर जो है एक सिंथेटिक फाइबर है, क्या है, सिंथेटिक फाइबर है,
और अगर बात करें कि हमें बुलेट प्रूफ जैकेट बनाना है तो इसमें जो है केवलर के अलावा क्या क्या लगेगा, तो जब आपको बुलेट प्रूफ जैकेट बनाना है तो इसमें जो है सिंथेटिक फाइबर तो लगेगा ही जो कि है केवलर, और इसके अलावा जो है आपको लेमिनेटेड कांच लगेगा और पॉलीएमाइड। अगर इतना चीज़ जो है आप इसमें जो है यूज कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यह जो है बुलेट प्रूफ जो है बन जाएगा। तो आपको यह भी याद रखना है बुलेट प्रूफ से क्वेश्चन जो है अगर पूछे तो। अब देखिए 35वां क्वेश्चन है, टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है। यह हम पीछे भी देखे थे कि टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या था, तो पॉली टेट्रा फ्लोरो कार्बन, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा पॉली टेट्रा फ्लोरो कार्बन। अब देखिए 36वां क्वेश्चन है, टेफ्लॉन क्या है, तो टेफ्लॉन क्या था, तो टेफ्लॉन जो फ्लोरो कार्बन था, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अब देखिए 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनोल का प्रयोग किया जाता है, तो किसके निर्माण में किया जाता है, तो देखिए बेकेलाइट के निर्माण में जो है फिनोल का जो है प्रयोग किया जाता है। और बेकेलाइट कैसे निर्माण होता है, तो फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड के जो है अभिक्रिया से ही जो है बेकेलाइट का जो है निर्माण होता है। अब देखिए 38वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जो जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो पीवीसी जो है जैव निम्नीकृत जो है नहीं किया जा सकता है। क्यों, तो देखिए सेलुलोज जो है ऑप्शन में, सेलुलोज स्टार्च और प्रोटीन जो है वो जो जैव निम्नीकृत बहुलक है, लेकिन पीवीसी जो है यह जो है नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह जो है डी हो जाएगा। अब देखिए 39वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म हो जाएगा, जो यह जो है एक विस्फोटक नहीं है। 40वां क्वेश्चन है कि आरडीएक्स जो है किसके द्वारा खोजा गया था, मतलब आविष्कृत हुआ था, तो किसके द्वारा, तो हैनिंग के द्वारा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव और रॉयल डिमोनेशन। तो इतने की चीज़ जो है आपको याद रखना है, तो जितने भी 40 क्वेश्चन थे उसको जो है हम एक्सप्लेन कर दिए हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे, चलते हैं, गुड नाइट, टेक केयर।